नमस्कार, न्यूज़ पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका। बीजेपी विधायिका रश्मि वर्मा की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसके बाद से एफआईआर भी दर्ज कराए गए थे और अब इस पर पुलिस ने एक्शन ले लिया है। पटना की पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और इसको लेकर जो है आरोपी के घर पर इश्तेहार भी चिपका दिए गए हैं और आरोपी को जल्द से जल्द हाजिर होने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। क्या कुछ है पूरी खबर, आइए बताते हैं। जी हाँ, बिहार के पश्चिमी चंपारण की नरकटियागंज की भाजपा विधायक रश्मि वर्मा की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में साइबर सेल पटना की टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी के आवास पर नोटिस चिपका दिया है। इसमें आरोपी को 2 दिनों के अंदर हाजिर होने का जवाब भी देने को कहा गया है। दरअसल 15 अगस्त को विधायक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। इस मामले में विधायिका रश्मि वर्मा ने अगरवा के संजय सारंगपुरी के खिलाफ पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई को आवेदन दिया था, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले को पटना के एसएसपी के पास भेजा था। इसके आलोक में पटना साइबर थाने में संजय सारंगपुरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। इतना ही नहीं, 16 अगस्त को विधायक रश्मि वर्मा ने मोतिहारी नगर थाने में संजय सारंगपुरी के खिलाफ स्वयं के अपहरण व 2 करोड़ की फिरौती मांगने की प्राथमिकी कराई, जिसके बाद पुलिस इस मामले में अब जांच में जुट गई है। इस कड़ी में अब पुलिस की तरफ से प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी के आवास पर नोटिस भी चिपका दिया गया है। इसके तहत उन्हें 2 दिनों का समय दिया गया है और उसके बाद हाजिर होकर जवाब देने को भी कहा गया है। वहीं आपको बता दें, विधायिका रश्मि वर्मा के खिलाफ भी संजय सारंगपुरी ने नगर थाने में लूट मारपीट व फायरिंग की प्राथमिकी 16 अगस्त को दर्ज कराई है। इससे पहले भी संजय ने विधायिका के खिलाफ धोखाधड़ी की एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब तीनों मामले की जांच लगातार चल रही है। इसी कड़ी में पुलिस के बुलावे पर भाजपा विधायिका ने मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र के समक्ष अपना पक्ष भी रखा है। इधर इस पूरे मामले को लेकर भाजपा विधायक ने बताया कि एसएसपी से मिलकर पूरी जानकारी दी गई है। मेरी तस्वीर एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल की गई, शिकायत के आधार पर साइबर सेल की ओर से जांच की जा रही है। उम्मीद है कि पुलिस टीम इस मामले में जल्द बड़ा एक्शन लेगी। फिलहाल हमसे जो सवाल किया गया है, मैंने उसका जवाब दे दिया।